अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान आरिफ और आज एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड केस फेस करना पड़ा मुझे। आज मैं क्लिनिक पे, सुबह मैंने क्लिनिक खोला तो बाहर पपी एक बहुत ही बुरी फॉर्म में कोई स्टूपिड पर्सन छोड़ गया हुआ था। मतलब बस काफ़ी ब्लीडिंग उसकी हो चुकी हुई थी, उसका लिम्ब टूटा हुआ था, उसके सारे टेंडन्स वगैरह काफ़ी रिमूव, सारी चीज़ ही ख़राब हो चुकी थी। अभी उसको फ़िलहाल पेन किलर लगाया और अब एग्जामिनेशन के बाद उसके लिम्ब की कोई ऐसी हालत नहीं है कि उसको किसी तरह से सेव किया जा सके। अभी फ़िलहाल उसको मैं क्लिनिक के अंदर लेके आया हूँ, बट ये इसकी हालत है पपी की। इस तरह से इसका लिम्ब बिल्कुल ही ज़ाया हो चुका है और इसके लिम्ब को हम किसी तरह से मतलब रिपेयरेबल नहीं है। सारे टेंडन्स लिगामेंट्स वगैरह उसके सारे रिमूव हो चुके हैं। इसका मतलब ट्रांसरेडियल जो इसका लिम्ब है, ट्रांसरेडियल जो एम्पुटेशन है इसके लिम्ब की, वो परफॉर्म करने लगा हूँ अभी मैं, ताकि इसकी लाइफ सेव की जा सके और इसकी इस पेन से इसको बचाया जा सके। एक लिम्ब के बगैर ऑब्वियसली मुश्किल तो होगा, बट एक हैप्पी हेल्दी लाइफ गुजार सकेगा। बट अभी ओनर जो है वो मेरा नहीं, ख्याल पता नहीं कौन है, कौन छोड़ गया इसको, तो इसको किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले किया जा सकता है, ताकि इसकी टेक केयर और प्रॉपरली कर सकें। चलें देखते हैं इसका नेक्स्ट टर्म। अभी सर्जरी परफॉर्म करने लगा हूँ मैं इसकी, लेट्स सी, होप फॉर बेस्ट। तो ये अभी डॉग की सूरत हाल है, यहाँ पे इसकी लिम अभी इसको बेहोश किया है ताकि इसको पेन वगैरह फील ना हो। ये इसका लिम आलमोस्ट ज़ाया हो चुका है, यहाँ पे हम इसको रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिम की कोई भी लिगामेंट्स या चीज़ें सर्वाइव नहीं की हुई। ये इसकी बोन्स हैं जो कि बिल्कुल रिपेयरेबल शेप में है इस टाइम। अगर हम इसको इस तरह छोड़ देते हैं तो ये किसी ना मैगेट्स में या किसी इन्फेक्शन की वजह से ये डेफिनेटली एक्सपायर हो जाएगा। बट अभी हम लोग इसको ट्रांसरेडियल यानी कि यहाँ से इसका लिम्ब रिमूव कर देंगे, इतना पोर्शन इसका, और यहाँ पे हम इसको सुचर कर देंगे ताकि इसका जो सिचुएशन है और ये लाइफ है इसकी वो बच जाए, और आगे से वॉन्ट की मैनेजमेंट करेंगे। होपफुली ये किसके लिए लाइफ सेविंग इवेंट रहेगा। इट्स ऑल फॉर बेस्ट। नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द सर्जरी। अभी इसकी सर्जरी परफॉर्म कर दी है मैंने, इसका लिम्ब यहाँ से मैंने रिमूव करके इसको बैंडेज कर दिए, स्टिचेस लगा दिए हैं उसके जहाँ से लिम्ब रिमूव हुआ है, और उसके ऊपर ये मतलब वेट ट्रैप कर दिए। अब इसके बाद इसको कुछ दिन के लिए एंटीबायोटिक्स के ऊपर रखना पड़ेगा और इसकी इंटेंसिव केयर की ज़रूरत है। तो होपफुली ये अपने हफ्ते से दो हफ्ते में अपनी परफेक्ट शेप में आ जाएगा, एक लिम्ब के बगैर भी ये हेल्दी लाइफ गुजार सकेगा अपनी। अभी इसकी सर्जरी परफॉर्म कर दी गई है और इसका लिम्ब सक्सेसफुली रिमूव कर दिया और इसको एंटीबायोटिक्स और पेन किलर भी लगा दिए हैं, और अभी इसकी सूरत हाल कुछ इस तरह से है। मतलब ये यहाँ पे इसका लिम्ब है, यहाँ पे इसको बैंडेज किया गया। अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसके लिए कोई फॉस्टर होम ढूंढ सकते हैं तो काइंडली इसके लिए कोई फॉस्टर होम ढूंढ दें, ताकि ये अगर हम इसको इस तरह से गली में छोड़ देते हैं तो ये सर्वाइव नहीं करने वाला। कुछ दूसरे डॉग या दूसरे कोई लोग ही हैं जो इसको ज़ाया कर देंगे। तो आप लोग अगर इसके लिए कोई फॉस्टर होम ढूंढ सकते हैं तो डेट विल बी वेरी हेल्पफुल। अगर आप लोगों को कोई मतलब बंदा मिले जो इसको अडॉप्ट करता है तो काइंडली 0332437307 इस नंबर पर मुझे कॉल करके बता दें, ताकि अगर कोई बंदा इसको अडॉप्ट करना चाहता है। होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि इस पपी को कोई एक अच्छा फॉस्टर होम मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।